मुख्यमंत्री की पहल भर्तियों की जटिलताओं का समाधान कर खोली सरकार में नियुक्ति की राह जयपुर। 30 अगस्त राज्य सरकार पर देरू 39 या के युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति के विनिर्माण में गंभीर है और बीते 6 माह में पिछली सरकार के समय से लंबित चल रही कई भर्तियों के सफल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां में नियुक्तियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री श्री अरू 39 या गहलोत के निर्देश 39 या पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारणों का समाधान किया, जिसके बाद हजारों अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हुआ। वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्ति से संबंधित जटिलताओं को दूर करने और प्रक्रिया को पारद्रू 39 रिया तथा सुगम बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश 39 या दिए गए। हम उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य व अधीनस्थ संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा RAS 2016 के सफल अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम घोषित होने के करीब 20 माह बाद 30 जून 2019 को वर्तमान सरकार ने सेवा आवंटन करने नियुक्ति दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भविष्य में RAS परीक्षा के समय बधायोजन तथा सेवा आवंटन के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। श्री गहलोत ने वनवजरिया 2013 की लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती के आरक्षित सूची के 1325 अभ्यर्थियों को रू 39 या थिलन देने के निर्देश 39 या दिए, जिसके बाद फरवरी और मई माह में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक रू 39 आरक्षक विभाग में 26,000 तृतीय श्रेणी रू 39 आरक्षकों के पदों में से 18,480 पर नियुक्ति दी है तथा रू 39 नवजया अभ्यर्थियों की पदस्थापन प्रक्रिया जारी है। उच्च रू 39 आरक्षक विभाग में कुल 1,175 चयनित अभ्यर्थियों में से 1,111 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है और रू 39 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।